नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा एडुलिन के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, रीजनिंग में हम लास्ट क्लासेस पढ़ रहे थे कोडिंग एंड डिकोडिंग। आज इसका सेकंड पार्ट है। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज और कुछ रूल्स भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपके जितने भी एग्जाम्स हैं आप देख लीजिए, वहां पर एक या दो क्वेश्चन मिलता ही है वन डे एग्जाम्स में। तो लास्ट टाइम हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि हम अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू कैसे याद करेंगे, कि हम यू को क्या आप यू की प्लेस वैल्यू जो 21 है तो कैसे याद करेंगे, एल की प्लेस वैल्यू 12 है तो हम कैसे याद करेंगे, एम की प्लेस वैल्यू 13 है तो कैसे याद करेंगे, ई की क्या है, इजोटी हमने कुछ जानने की कोशिश की थी। उसके बाद हमने कहा कि अल्फाबेट्स जो हैं, ये जो नंबर्स हैं, इनकी जो अल्फाबेट्स हैं, इनका अपोजिट कौन लेटर कौन सा होगा। ठीक, तो जैसे ए का अपोजिट हमने जेड था, हमने इसको तरीका एक स्टोरी मैंने आपको बताई थी सेठ जी वाली, उससे आपको लर्न कराने की कोशिश की थी। ठीक है, तो वो आपको आज ही क्लासेस में आपको याद होने जरूरी चाहिए। ठीक, तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो कोडिंग डिकोडिंग है, ये मेरा नाम है राहुल शर्मा। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए, ये क्वेश्चंस हैं, कुछ चार क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कोडिंग डिकोडिंग में आपकी स्टार्टिंग हो गई बहुत अच्छी, अगर आप बड़े आराम से कर पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है मैथ, एक वर्ड लिखा है MATH, उसका उसके बारे में लिखा, अगर मैथ है तो इसका मीनिंग है, अगर मैथ को हम ऐसे लिख सकते हैं, अनुपात या अनुपात का साइन है, तो इसका मतलब है मैथ को उन्होंने लिख दिया SGZN। अगर मैथ को MATH को लिख देते हैं SGZN, तो BAR के बार को क्या लिखा जाएगा। ठीक, इसी तरीके से एक वर्ड है ABCD, ठीक है, उसको उन्होंने लिख दिया ZYXW, तो कह रहा है जो KJIH है इसको क्या लिख सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने इंग्लिश को कर दिया है WNUOSIT, तो कह रहा है पैटर्न को क्या लिखेंगे। ऐसी स्टडी को इन्होंने कोई पर्टिकुलर टाइटल दे दिया है, ठीक है, वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, तो कह रहा है ट्रेन को क्या कहेंगे। चलिए वन बाय वन करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। तो देखो, इन्होंने कहा मैथ जो है MATH, ठीक है, आपको दिख रहा होगा मैथ को इसने क्या लिख दिया है SGZON, ठीक है, SGZN ये लिखा है। अब देखो, यहीं पे देख सकते हैं आप, अब बताओ M क्या है। आपको कुछ मैंने अपोजिट्स बताए थे, ठीक, अपोजिट आपको उस दिन सेठ जी की क्लास थी उसमें बताया था कि जो एम का अपोजिट होता है वो क्या होता है, एन होता है, और एन का क्या होता है, एम होता है। जो स्टूडेंट्स आज जुड़ रहे हैं पहली क्लास में, वो मेरी रिक्वेस्ट है इससे पहले वाली क्लास एक बार और देख लीजिए, क्योंकि हम तो फटाफट बता देंगे कि एम का अपोजिट एन होता है, एन का एम होता है, वो कहेंगे उनको हम कैसे याद करें, तो वहां मैंने ट्रिक बताई है। मैं कह रहा हूँ वही एक बार आप उस क्लास को देख लीजिए, लाइफ में आप कभी भी अपोजिट्स नहीं भूलेंगे। ठीक, ए का क्या होता है अपोजिट, होता है जेड, और जेड का अपोजिट क्या होता है, ए होता है। टी का क्या होता है, टी का अपोजिट होता है जी, और जी का होता है टी, हमने GT रोड पढ़ा था, ठीक है, ए से हमने आजाद पढ़ा था, ठीक है, और एच का होता है एस, एच का होता है एस, वहां हमने हाई स्कूल पढ़ा था। ठीक, तो ये मैंने आपको अपोजिट बता दिया। देखो, M का अपोजिट N और N का M, A का Z, Z का A, T का G, G का T, H का S और S का H, ये अपोजिट है। तो देखो आप यहाँ, यहाँ पे M का अपोजिट दिखाई दे रहा आपको N, M का अपोजिट दिखाई दे गया N, A का दिखाई दे गया, A का दिखाई दे गया Z, T का दिखाई दे गया G, और H का अपोजिट दिखाई दे गया S। ठीक, तो जो पहला है वो सबसे लास्ट में जाएगा, जो पहला एम था उसका अपोजिट सबसे लास्ट में। तो बी का अपोजिट अगर मैं बात करूं यहां, यहां पे तो बी का अपोजिट क्या होता है, बी का मैंने बताया था याद करने का तरीका बॉय, ठीक है, सेठ जी के आजाद नाम का एक बॉय था, तो बी का अपोजिट हो गया वाई, तो यह लिख दिया, यहां पर लिख देता हूं वाई। ठीक, उसके बाद ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट तो जेड होता है, ठीक है, उसके बाद R का अपोजिट, R के लिए मैंने बताया था इंडियन रेलवे, तो I का अपोजिट क्या होगा, R होगा, और R का अपोजिट क्या होगा, I, तो क्या होगा, I, K का कानपुर, K का मैंने बताया था
अपोजिट होगा पी, और पी का क्या होगा, के होगा, तो यहां लिख दिया पी, तो ये आपका पी आई जेड वाई इज द अपोजिट ऑफ बार्क। ठीक, बहुत ही बहुत सिंपल क्वेश्चंस है अगर आपको अपोजिट्स, ठीक है, अल्फाबेट्स पता है कि ए का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट क्या है, सी का क्या है, के का क्या है, आई का क्या है, आर का क्या है, जी का क्या है, जेड का क्या है और एन का क्या है, अगर आपको ये पता है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट, आप इस प्रीवियस जिससे पहली वाली क्लास है एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा, वही एम का अपोजिट एन, ए का अपोजिट जेड, टी का अपोजिट जी, एच का अपोजिट एस। ठीक, ये देख लिया हमने। अब कुछ स्टूडेंट को जब अपोजिट ही नहीं पता है तो वो कैसे सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है ए बी सी डी है, इसको लिख दिया जेड वाई एक्स डब्ल्यू, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, तो कह रहा है जो के आई के जे आई एच लिखा है इसकी जगह अगर यहां पर क्या आएगा, जो यहां पे ऐसे लिख दिया है। ठीक, तो देखो ए का अपोजिट क्या किया, क्या होता है यहां जेड दिखाई दे रहा है भाई, ए का अपोजिट जेड होता है ना, देखो ए का अपोजिट होता है जेड, और इसको और जेड का अपोजिट होता है ए। कैसे याद करना बताया था मैंने वहां, सेठ जी के एक आजाद नाम का लड़का था, तो आजाद ए जेड ए डी, तो ए का अपोजिट था जेड और जेड का ए। ठीक, बी का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट होता है वाई, कैसे याद करना बताया था, आजाद नाम का बॉय था, तो बी का अपोजिट वाई और वाई का अपोजिट बी। ठीक है, उसके बाद सी का अपोजिट क्या है, एक्स, तो क्या होगा क्रैक्स, तो सी का अपोजिट क्या हो गया, मैंने क्रैक्स से बताया था सी आर ए एक्स, तो सी का अपोजिट आ गया एक्स और एक्स का अपोजिट आ गया सी। ठीक है ना सिंपल, और डी का अपोजिट ड्यू, मैंने बताया था माउंटेन ड्यू डी ई डब्ल्यू, माउंटेन ड्यू क्रैक्स खाता था और माउंटेन ड्यू पीता था वो लड़का आजाद, तो डी का अपोजिट डब्ल्यू और डब्ल्यू का अपोजिट डी, तो डी का अपोजिट डब्ल्यू और डब्ल्यू का हो गया डी, तो ये हो गया आपका, ये सारा हमें पता लग गया। तो अब देखिए, देखो ए का अपोजिट तो जेड है, तो जेड का क्या ए है, तो यहां से आप देखो के का अपोजिट क्या होगा, के का अपोजिट क्या होगा, मैंने बताया था के को याद करने का तरीका कानपुर, तो यहां पे आ गया पी, के का अपोजिट हो गया पी, जे, जे का क्या होता है, जे का क्या होता है जैकलिन फर्नांडिस, मैंने बताया जैकलिन, तो जे का क्या हो गया क्यू। ठीक, आई, आई का क्या होता है अपोजिट आर, इंडियन रेलवे आर, और एच का क्या होता है हाई स्कूल यानी कि एस, तो ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। ठीक है साहब, तो ये क्वेश्चन भी हो गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अपोजिट लेटर्स, अपोजिट अल्फाबेट पता होना चाहिए, तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि इस क्लास से पहले प्रीवियस वाली क्लास देख लीजिए, बहुत आसान है ये, जितनी इजी तरीके से कर रहा हूँ आप शायद उससे आसान और भी करेंगे, क्योंकि आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप तो बहुत जल्दी कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वर्ड लिखा है इंग्लिश, क्या लिखा है इंग्लिश, तो कह रहा पैटर्न का अपोजिट बताइए। ठीक है, सॉरी पैटर्न को क्या लिखेंगे, अगर इंग्लिश को ये लिख दिया तो पैटर्न को क्या लिखेंगे। अब देखो ई का जो ई है, ई का अपोजिट क्या होता है, मैंने बताया था इवनिंग, ई का अपोजिट होता है वी, और एन का अपोजिट क्या होता है एम होता है, और एम का क्या होता है एन होता है, जी का क्या होता है जी का जी टी रोड, तो जी का टी होता है, टी का जी होता है, एल का, एल का मैंने बताया था लो यानी ओ, ओ का एल होता है और एल का ओ होता है, आई, आई का मैं बता चुका हूं इंडियन रेलवे, आई का आर होता है, आर का आई होता है। ठीक है, एस का, एस का हाई स्कूल से याद कराया था मैंने, एस का एच होता है और एच का एस होता है, और फिर ये दोबारा एच आ गया, एच का वही एस या एस का एच। ठीक,
अब देखिए एक चीज देखिए, यहां पर ई का क्या होता है, ई का होता है वी, लेकिन यहां आ रहा है डब्ल्यू, हमें दिख रहा है, लेकिन एक चीज देख रहे हैं, ई का होता है वी और वी का एक एक्स्ट्रा क्या होता है, ई का अपोजिट होता है वी, अल्फाबेट्स जो ई है ई का अपोजिट है वी, लेकिन वी में अगर एक जोड़ दू तो डब्ल्यू आ रहा है, वी डब्ल्यू, वी के बाद डब्ल्यू, तो प्लस वन लिख दो यहां, यानी कि अपोजिट में प्लस एक। एन का क्या होता है एम, एन का क्या होता है अपोजिट एम, और एम में एक और एम से आगे एक आगे चले तो क्या होता है एम के बाद एन, तो प्लस वन यहां हो गया। ठीक, जी के बाद क्या होता है, जी का अपोजिट क्या होता है टी, और टी में प्लस एक करो तो क्या आता है टी यू, तो यहां भी प्लस वन। ठीक है, अब आ जाओ कहां तक आ गए हम, जी तक आ गए, एल का क्या अपोजिट था ओ, लेकिन यहां पे सीधा का सीधा लिख दिया, तो यहां पे जीरो लिख दो, कोई चेंज नहीं करा। अच्छा, उसके बाद आई पे आ जाओ, आई का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट होता है आर, तो आर से एक एक्स्ट्रा जाए, आर के बाद क्या आता है एस, तो प्लस वन, यही प्लस वन। उसके बाद एस, एस का अपोजिट क्या होता है, एस का अपोजिट होता है एच, एस का अपोजिट होता है एच, एच के आगे एच में अगर प्लस वन करें तो क्या होता है एच आई, आई आ गया ना, तो प्लस वन कर दिया यहां भी, और एच, ये एच है एस से आगे बाद एच का अपोजिट क्या होता है एस, एस के आगे एस टी, तो प्लस वन। तो यानी कि आप ये देखिए, मैं दोबारा इसको रफ कर रहा हूं, क्या हुआ, ई का अपोजिट होता है वी, लेकिन उससे अगले वाला वर्ड, ई का जो अपोजिट है वो वी है, लेकिन वी में क्या किया प्लस कर दिया वन, तो वी के बाद क्या आ गया डब्ल्यू। ऐसे ही एन का अपोजिट क्या होता है, होता है एम, एम में प्लस वन कर दिया, एक एम में प्लस वन कर दिया, तो क्या हो गया, जब एन में प्लस वन कर दिया तो आप देखो एन के बाद एम, एम के बाद क्या आता है एम में एक, एम से एक और आगे वाला, यानी एन हो गया। तो देखो W मिल रहा है, N मिल रहा है, U मिल रहा है, ऐसी G से एक आगे, G का उल्टा और उससे एक आगे वाला, लेकिन यहाँ पे L का सीधा क्या कर दिया, रिपीट कर दिया, यानी तीन वर्ड में तो प्लस वन कर दिया, तीन वर्ड में तो प्लस वन कर दिया, बीच वाला ऐसी छोड़ दिया। ठीक, बीच वाला ऐसी छोड़ दिया। चलिए अब आ जाओ ये देखते हैं पैटर्न को क्या लिखेंगे। अब देखो पैटर्न में तीन तो ये इधर ले लो, तीन ये इधर ले लो, और टी को तो एग्जैक्ट ऐसे लिख दो बीच का, जैसे वहां पे देखो इन्होंने इस एल को, देखो इस एल को का इन्होंने अपोजिट लिख दिया, तो सॉरी टी का अपोजिट क्या होगा, जस्ट मिनट, टी का अपोजिट क्या होगा, यहां पे ऐसे कैसे लिख दो और ये ऐसा कर दिया, टी का अपोजिट क्या होगा जी होगा, होगा नहीं, देखो इन्होंने एल का डायरेक्ट अपोजिट लिख दिया, प्लस वन नहीं करा। अब पी का अपोजिट क्या होता है, जो पी है, ठीक है, पी का अपोजिट क्या होता है के, के के आगे क्या आता है, पी का अपोजिट क्या होगा पी कानपुर, के का अपोजिट होता है पी, और पी का अपोजिट होता है के, और के से एक एक्स्ट्रा क्या होता है, तो क्या हो गया एल होगा, एल होगा ना, ए का अपोजिट क्या होता है जेड, और जेड में अगर मैं एक जोड़ दूं जेड प्लस वन तो क्या आ जाएगा ए ही तो आ जाएगा, जेड के बाद दोबारा से ही आएगा ना घूम के, तो एल ई। और टी का अपोजिट क्या होता है जी का अपोजिट होता है टी, और टी का अपोजिट होता है जी, तो जी से एक एक्स्ट्रा क्या होता है आगे एच, तो एल ए एच हो गया, अभी तक ये क्या हो गया एल ए एच बन गया। अब आ जाओ ई पे, ई का अपोजिट क्या होता है ई का, ई का मैंने बताया था क्या होता है इवनिंग, ई का अपोजिट होता है वी, तो वी से एक एक्स्ट्रा डब्लू होगा डब्लू, आर का अपोजिट, ठीक है आर का अपोजिट बताइए, आर का क्या होता है आई, और आई से एक एक्स्ट्रा क्या होगा जे, एन का अपोजिट एम, एम से एक आगे एन होगा, तो वर्ड क्या बन गया आपका, अगर मैं यहां लिख दूं ये पूरा, तो वर्ड बनेगा आपका एल ए एच, इन तीन का ये बन गया एल एच,
का बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा कैसे लिख दिया, जी अपोजिट और डब्ल्यू जे और एन इज अ करेक्ट आंसर, एल ए एच जी डब्ल्यू जे एन विल बी योर आंसर। ठीक, कुछ नहीं है, इसने क्या किया, इन तीन का अपोजिट अपोजिट में एक एक्स्ट्रा कर दिया। ठीक है, ये देखो यहां की जो तीन थे और इधर की जो तीन थे, इनका अपोजिट निकाला, उसमें प्लस वन कर दिया, उससे एक्स्ट्रा वाला लिख दिया। ठीक है, उससे आगे वाला लिख दिया और बीच वाले को बिल्कुल अपोजिट लिख दिया। तो हमने बीच वाले का अपोजिट जी करा, पी का अपोजिट क्या होता है, पी का अपोजिट के होता है, के का आगे वाला एल होता है। ठीक, हमने ये करते चले गए, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टडी को इन्होंने क्या किया है, कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड लिख दिया। ठीक है, स्टडी को लिख दिया इन्होंने और कह रहा है कि ट्रेन का बताइए, स्टडी को लिख दिया है ये और कह रहा है ट्रेन का बताइए क्या होगा। फिर देखिए ध्यान से, बिल्कुल गौर से देखिएगा आप। अब ये देखो, एस का मैंने आपको बताया था, एस का अपोजिट क्या होता है, एच, एस का अपोजिट होता है एच, या एच का अपोजिट होगा एस, एस का अपोजिट होगा एच, और एच में से मैं माइनस एक कर दूं, यानी एच से पिछले वाला एक लिख दूं, तो क्या होता है जी, क्या होगा जी। ऐसे ही टी का अपोजिट क्या होता है, इस टी का अपोजिट बताओ, टी का अपोजिट क्या होगा, रिकॉल कीजिए, टी मैंने आपको याद किया था ना कि टी का होता है जी, भाई टी का होता है जी, टी का अपोजिट जी होता है और जी का टी होता है, जी का टी, टी का जी, जी टी रोड। तो ये जो टी है, टी में क्या किया, देखो आप, टी का अपोजिट लिख दिया हमने जी, और जी में से, जी से एक पहला क्या होगा एफ। तो यार देखो, यहां भी माइनस एक कर रहा है, 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 यानी कि सबके क्या कर रहा है, सबका इसका एस का अपोजिट करो और उससे एक पहले वाला वर्ड लिख दो। ठीक है, एस का अपोजिट क्या हो गया एच, और एस से पहला एक लिख दिया जी। टी, टी का अपोजिट क्या होता है जी, और जी से पहले वाला अल्फाबेट क्या होता है एफ होता है। यू का क्या होता है एफ, यू का क्या होता है एफ, और क्या होता है एफ से पहले, देखो भाई यू का अल्फाबेट क्या होगा, जस्ट ए मिनट, हाँ इसका क्या होगा, देखो यू का, आपका जो यू होगा, यू का क्या होता है एफ, और एफ का क्या, तो यू का उससे क्या कर दिया, देखो एस का तो कर दिया जी, यानी माइनस वन कर दिया, टी का भी माइनस वन कर दिया, अब देखो यू का क्या होगा एफ, एफ के बाद जी, तो यहां क्या कर दिया प्लस वन, यहां बीच वाले में प्लस वन कर दिया। अब आ जाओ इसके बाद डी, डी को देखो, डी का क्या होगा उल्टा, डी का उल्टा क्या होगा, डी का उल्टा होगा हमारा डी ई डब्ल्यू, मैंने ड्यू बताया था, तो डी का हो गया डब्ल्यू, तो डी का क्या हो गया डब्ल्यू, तो उससे पहले क्या लिख दिया एक, उससे पहले क्या लिख दिया एक, उससे पहले लिख दिया एक डी का डब्ल्यू, यानी माइनस वन कर दिया, माइनस वन कर दिया। और वाई का क्या होगा, वाई का होगा बॉय बी, तो बी से पहले एक माइनस वन कर दिया। ठीक, तो यानी कि हर वर्ड का जो अपोजिट है उससे एक पहला लिख दिया इस वाले को छोड़ के। चलिए एक बार पूरा रिपीट कर लेता हूं, देखिए आप दोबारा देखिए, एस का मैं सबके एल अपोजिट लिख देता हूं एक बार, तब आपको क्लियर होगा, एस का अपोजिट होता है एच, और एच का अपोजिट होता है एस, टी का होता है जी, और जी का क्या होता है टी, यू का क्या होता है, यू का हमें याद है फ्लू, FLU, तो यू का एफ होता है। ठीक, और एफ का होता है यू, डी का क्या होता है, डी का होता है डब्ल्यू, और डब्ल्यू का होता है ड्यू, ड्यू से याद है कि माउंटेन ड्यू। ठीक है, और बी का होता है वाई, और वाई का होता है बी। ठीक है, तो अब देखिए एस का जो अपोजिट है वो क्या है, एस का अपोजिट है एच, तो एस का अपोजिट है एच,
एच से एक पहला क्या हो गया, जी तो माइनस वन कर दूं, यहां माइनस वन अपोजिट का माइनस वन, ऐसी टी का अपोजिट क्या होगा भाई, टी का अपोजिट होगा जी, तो एफ जी तो क्या होगा, यहां भी माइनस वन है। यू का क्या होता है, यू का अपोजिट होता है एफ, यू का अपोजिट हो गया एफ, तो एफ में क्या करें, एफ में क्या करना चाहिए, लगना चाहिए माइनस वन, एफ से पहले क्या होगा ई, लेकिन ई आ जाएगा, लेकिन यहां क्या कर दिया प्लस वन कर दिया, बीच वाले में कर दिया प्लस वन, बीच वाले में कर दिया प्लस वन, ओके ठीक है। डी, डी का अपोजिट क्या होगा, डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू से एक पहले क्या होता है, फिर वही माइनस वन, वही माइनस वन ठीक। और वाई का अपोजिट क्या होगा, वाई का अपोजिट होता बी, बी से फिर वही माइनस वन एक पहले। तो अब देखिए ए का अपोजिट क्या होगा, जेड, जेड में एक एक्स्ट्रा जोड़ दो, जेड प्लस वन ए ही होगा ठीक। अब टी का अपोजिट क्या होता है, जी, जी से एक पहले, जी से एक पहले क्या हो गया एफ, जी से एक पहले हो गया आपका एफ ठीक है। आर, आर का अपोजिट क्या होता है, आर का बताइए, आई मैंने बताया ना इंडियन रेलवे, तो आई हो गया, तो आर का अपोजिट हो गया आई, और आई से पहले क्या होता है, आई का पोजिशन क्या है नाइन, तो आठ नंबर पे कौन होगा एच, एफ एच ए, आई का क्या होगा अपोजिट, आई का अपोजिट होगा आर, और आर से एक पहले का, आर से एक पहले का होगा क्यू, क्यू हो गया, ऐसी एन, एन एन का अपोजिट क्या हो गया, एन का अपोजिट क्या होगा बताइए, क्या होगा एम का अपोजिट होता है एन, और एन का होगा एम, तो एम से एक पहले क्या होगा, एम से एक पहले होगा एल। सो योर आंसर इज एफ एच ए क्यू एल, एफ एच ए क्यू एल विल योर आंसर ठीक है, ये आपका आंसर होगा ठीक है दोस्तों। बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, चलिए ये मुझे लगता है कि आप ये चारों क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, अब बात करते हैं कुछ रूल्स की ठीक, कुछ रूल्स की। हमने जैसे ए बी सी डी ई एफ जी क्या पढ़े, अल्फाबेट्स पढ़े ठीक। अब मैं वो रूल्स बता रहा हूं, जब कभी क्वेश्चन आए तो कैसे सोल्व करें, हमारी शुरुआत कैसे, क्वेश्चन को देखते ही हमारी क्या स्ट्रेटेजी हो, हम कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं भाई, एकदम क्वेश्चन सामने आते ही ब्रेन में क्या आना चाहिए, वो मैं बता रहा हूं कि शुरुआत कैसे करनी है। मान लीजिए आपको चार अल्फाबेट्स दे रखे हैं, एक दो तीन चार, भाई जैसे ये पीछे अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, देखिए ये आपको चार ही तो दिए हुए, चार ये ठीक, तो ये आपको अल्फाबेट्स दिए हुए, चार ये दिए हुए, और इनका चार का ही कंपेरिजन अगर करा रहा है, चार का ही कंपेरिजन करा रहा है, अगर चार है तो कुछ नहीं करना, हमारी शुरुआत कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल देखते ही हम कंपैरिजन करेंगे, पहले अल्फाबेट्स का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, और चौथे का चौथे से, यानी फर्स्ट का फर्स्ट से सेकंड से, थर्ड का थर्ड से, फोर्थ का फोर्थ से, ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये हम कंपैरिजन करेंगे ठीक है। चलिए अगर ये तो चार का था, ये अगर चार अल्फाबेट्स हैं, अगर अल्फाबेट्स कितने आ जाए, पांच हो जाए, पांच यानी कि एक दो तीन चार और पांच, पांच अल्फाबेट्स आ जाए, ऐसे ही एक दो तीन चार पांच अल्फाबेट्स आ जाए, तो हमें क्या करना है, एकदम हमारे दिमाग में एकदम आना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जो बीच वाला है इसका तो आपस में एक दूसरे से कंपैरिजन होगा ठीक, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे कंपैरिजन कर दीजिए ठीक। एक तो ये फर्स्ट पॉइंट, तो ये पहले एकदम दिमाग में ये आना चाहिए, अगर नहीं बैन, इससे सेटिंग नहीं बन पा रही हमारी, तो तुरंत क्या करो, फिर वही एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, क्या करना है, एकदम बीच का मिडिल का तो मिडिल से कंपैरिजन कर दो, उसके बाद लास्ट वाले का इधर से, इसका यहां से, इसका यहां से, और इसका यहां से, ऐसे कंपैरिजन कर दीजिए आप ठीक है, इससे बाहर कभी कोई कंपैरिजन नहीं बन पाएगा, ये स्ट्रेटजी हमारे एकदम क्वेश्चंस को देखते ही दिमाग, अच्छा पांच हैं तो इसके बाद ये बन रहा है, बीच वाले का तो बीच वाले से रहेगा ठीक है, बाकी के या तो
ये वाला बैठेगा या ये वाला बनेगा। ठीक है, चलिए ये तो था पांच का। अगर पांच से ज्यादा आ जाए, पांच से ज्यादा का मतलब छह से, सिक्स टू टेन आ जाए, छह से अगर 10 बन जाए, कैसे मतलब? देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये छह छह बन रहे हैं। तो क्या करना है, हाफ ऑफ कर दो। हाफ ऑफ मतलब तीन को उधर लिया आओ और तीन को इधर लिया आओ। ठीक, तीन को उधर लिया आओ, तीन को उधर लिया आओ। मिडिल वाले का मिडिल से कंपैरिजन कर दो, इसका इससे कर दो और इसका इससे कर दो। ऐसे मिडिल वाले का मिडिल से कंपैरिजन कर दो, इसका इससे कंपैरिजन कर दो और इसका इससे कंपैरिजन कर दो। ये है छह वाले का। अगर सात का आ जाए या आठ का आ जाए, नौ का आ जाए, चले सात का एक बार और देख लेता हूं। सादा कैसे करेंगे आप, अगर सात का आ जाए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7, अगर ये बन रहा है तो क्या करो, मिडिल वाले का मिडिल से कंपैरिजन करो और बाकी को सेपरेट कर दो, बाकी को सेपरेट कर दो। अब वही इसका इससे कंपैरिजन, इसका इससे कंपैरिजन, मिडिल का मिडिल से, मिडिल का मिडिल से, इसका इससे, इसका इससे। तो देखो है ना सिंपल, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां बड़े आराम से और समझ जाएंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसने कहा ग्रेट को लिख दिया 21597, तो कह रहा है स्टार्क को क्या लिखेंगे। ग्रेट को लिख दिया इसने जी, ठीक है, आर ई ए टी को क्या लिखा है इसने 21597। ठीक, तो पहले सबसे पहले ये देखो क्या मतलब बताया, जब भी पांच का है तो मिडिल को तो मिडिल से कर दो। तो देखो कल हमने एक वर्ड याद किया था, इजूती, याद किया था, ई जे ओ टी वाई, इसका पांच होता है प्लेस वैल्यू, इसका 10 होता है, इसका 15 होता है, इसका 20 होता है और इसका 25 होता है, 5 10 15 20 25। ठीक है, ये मैंने बताया था। तो देखो ई का, ई की प्लेस वैल्यू क्या है, पांच है। एक चीज और याद रखना, हमेशा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वो क्या करता है, ज्यादातर ज्यादातर क्वेश्चंस में नंबर्स को प्लेस वैल्यू को 0 to 9 ही लिखता है। अगर जैसे ही प्लेस वैल्यू 10 हो जाएगी या 11 हो जाएगी तो इनको जोड़ देगा, तो इसका 1 + 0 1, इसको 2, ऐसे लिख देगा। ठीक है, अब देखिए क्या किया इसने, देखो जी को, जी का यहां पे बना दिया, जी की प्लेस वैल्यू कितनी है, देखो यहां कंपेरिजन कर दिया, जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7, कैसे याद करने में बताई थी मैंने, जी ऐसे लिखा जाता है, तो ये ऐसे नहीं लिखा गया, ये हटा दो ये वाला हिस्सा, तो 7 हो गया, जी की प्लेस वैल्यू यहां दिखा दी। मैंने ऐसे बताया था ना, बीच का पांच, पांच का जो बीच के बीच में, ये तो यहां से यहां पर होगा, यहां पर होगा, लेकिन यहां में दिखाई दे रहा जी की, साफ 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 दिखाई दे रहा जी की प्लेस वैल्यू 7 है। टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, तो इसने क्या किया 2 + 0 2 कर दिया, कोई बात नहीं, ये लो, हम भी ऐसे करेंगे, जैसे ही 9 से ऊपर कोई नंबर जाएगा दोनों को जोड़ देंगे। आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, तो ऊपर चला गया 10 से 9 से, 8 + 1 9, तो आर की यहां से कंपेरिजन कर दिया, कर दिया। और ए की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो इसने कौन से वाला मेथड फॉलो किया, देखिए ये वाला किया इसने, अगर पांच अल्फाबेट्स दिए हैं, पांच अगर अल्फाबेट दिए तो मिडिल वाले का तो मिडिल से कंपेरिजन कर दिया, और लेकिन क्या किया, लास्ट वाले का लास्ट वाले से कंपेरिजन किया, लास्ट वाले का लास्ट वाले से कंपेरिजन किया, और जो बीच के जो बचे थे उनका इनसे सेकंड लास्ट से कंपेरिजन किया, ये किया ना। ठीक है, तो अब कह रहा है कि स्टार्क का मतलब यानी कि लास्ट, ये हमें पता लग गया कि भाई ये मेथड ये फॉलो कर रहा है, तो अब तो हमें स्टार्क का निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। और प्लेस वैल्यू रख दी, 9 से जो प्लेस वैल्यू ऊपर है उसको जोड़ दिया। चलिए देखते हैं करके, अब ये कह रहा है कि स्टार्क का बताओ, एस टी ए आर के, तो के का यहां ले आओ, एस का यहां ले आओ, ए का यहां ले आओ बीचों बीच, ठीक है, टी का यहां ले आएंगे, आर का यहां ले आएंगे, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए फिर लिखते हैं एक बार, एस टी ए आर
सबसे पहले के की बताइए, के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है। के की मैंने बताया था, के में क्या है, ऐसे देखो ये ऐसे लिखा है, एक लिखा है, एक के बराबर में एक सरिया है, वो तिरछा करके लिख दिया, रख दिया, उस सरिये को तिर सीधा कर दो तो ऐसे हो जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी हो गई, 11। तो 11 को, लेकिन वो 9 से ऊपर हो गया, तो 11 को हम लिख सकते हैं 1 + 1 = 2, तो यहां पर आ गया 2 आ गया। अब चलिए एस को, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 19, और 19 को कैसे लिख सकते हैं, 1 + 9 कितना हो गया, 9 और 1 = 10, एक द्वारा जोड़ दो, यहां लिख दिया 1। ठीक, अब उसके बाद आर, ठीक है, आर, आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18। भाई आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आर सॉरी आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, तो 8 + 1 = 9 हो गया, तो आर की प्लेस वैल्यू हमने लिख दी यहां 9। टी की प्लेस वैल्यू, टी की प्लेस वैल्यू बताओ, टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, बट टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है। ठीक, टी की प्लेस वैल्यू 20 है, तो 20 को कैसे लिख सकते हैं, यानी 2 यहां लिख दी, 2 और 1 यहां बीच बीच लिखनी है, ए की प्लेस वैल्यू कितनी थी, 1। तो आंसर इज 29121 इज योर आंसर, 29121 इज योर आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस मैंने बताए, ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स थे, ये आपको पता होना चाहिए। पहली क्लास में मैंने केवल अल्फाबेट्स आपको याद करने की, प्लेस वैल्यूज क्या है, ठीक है, उनकी प्लेस वैल्यू आपको बताई थी, अपोजिट्स अल्फाबेट्स कैसे निकालते हैं वो उसकी मैंने ट्रिक बताई थी आपको, फिर आज कुछ मैंने कुछ बेसिक्स क्वेश्चन कराए। नेक्स्ट क्लास में हम टफेस्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, जिनको कहते हैं बहुत मुश्किल सवाल है, जिनको आप चुटकियों में कर देंगे, अगर आपने पहली दो क्लासेज ये देख ली है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, फेसबुक पे कीजिए, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कीजिए, दोस्तों को भेजिए, ठीक है। और तब अगर आप मुझे देखिए वीडियोस पे ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं हमें, ठीक है, लाइक्स आपके मिल रहे हैं, तो फिर हम लोगों की हिम्मत बनती है कि हाँ भाई हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं, आगे इस पार्ट को कंटिन्यू रखें, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, कोई क्वेरीज है, तो उस क्वेरीज को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।